हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर एस के सर, फैकल्टी बायोलॉजी। पूछो तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक, डेट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये टॉपिक अगर जो बच्चे क्लास 11th के अंदर उन्होंने अपना एग्जाम दिया होगा, उन्हें पता होगा कि ये हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 16 है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन करके, या हम लोग इसको कॉमनली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक का लेने का हमारा उद्देश्य ये था कि ये जब आप क्लास 10th के अंदर होते हैं तो लाइफ प्रोसेस के अंदर भी आपको थोड़ा बहुत इसकी जानकारी दी जाती है। ठीक है, लेकिन ये हम लोग डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। और अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बच्चों, तो इससे हर साल एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी 2, कभी 3, तो 2 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली हर बार एग्जाम में इससे आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो हमारा जो हेडिंग है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले अभी तो हम एब्जॉर्प्शन पे नहीं जाएंगे, डाइजेशन पे जाएंगे। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी समझे तो डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। ठीक है, तो डाइजेशन का मतलब अगर हमारे टर्म जो साइंटिफिक टर्म के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को सिंपल फॉर्म में तोड़ना। ठीक है, क्योंकि जिस फॉर्म में हम लोग फूड लेते हैं वो एब्जॉर्बेबल नहीं होता है। ठीक है, मैं एक एक करके, क्योंकि ये जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो इसमें मैं ये पूरी कोशिश करूँगा, मेरे पूरे मैं अपने ध्यान में रखूँगा कि वो बच्चे जो अभी 11th क्लास के अंदर हैं या अपने एग्ज़ाम से फ्री हो गए होंगे, या अभी 10th के बाद भी कुछ बच्चे जिन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी, ठीक है, 11th की पढ़ाई के लिए, तो वो ये सब टॉपिक जो है वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। इवन कि आप जब कॉलेज में भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको डिटेल में इसके बारे में ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि अब मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँ आपके लिए। ठीक है, तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को सिंपल फॉर्म में तोड़ना। ठीक है, क्योंकि द फूड वी ईट इज मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, जो खाना हम लोग खाते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल होता है, तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता, डायरेक्टली नॉट एब्जॉर्बेबल। ठीक है, तो खाना जो हम लोग खाते हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्बेबल नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब जब ब्लड के अंदर वो जाता है तो उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, तो वो हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या प्रोसेस होता है, अगर हम पूरी अब छोटा सा अपने लाइफ प्रोसेस के अंदर जाएं, जो आप 10th क्लास में पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस, तो पूरी लाइफ प्रोसेस क्या है, सबसे पहले होता है इंजेशन। क्या होता है बच्चों, इंजेशन। इंजेशन के अंदर क्या करते हैं, हम इनगल्फ करते हैं फूड को अपने अंदर लेते हैं। ठीक है, इंजेशन के बाद क्या होता है बच्चों, डाइजेशन होता है। क्या होता है बच्चों, डाइजेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। जब वो खाना हमने डाइजेस्ट कर लिया और ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुंचता है, ठीक है, तो वो एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, वो क्या है, एब्जॉर्प्शन है, है ना, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, मतलब ये सेल के अंदर आया। ठीक है, इंजेशन ना, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, उसके बाद हम लोग करते हैं एसिमिलेशन। अब सेल के अंदर आया तो हमने खाना खाया तो हमें क्या हुआ, एनर्जी फील हुई, वी फील एनर्जी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। और लास्ट में जाके क्या होता है बच्चों, हमारा होता है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा लाइफ प्रोसेस, कि इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फीलिंग है ना, एनर्जी जो फील करते हैं हम लोग वो है एसिमिलेशन, और लास्ट में जाके होता है एक्सक्रीशन। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारे लाइफ प्रोसेस के अंदर, इसी तरीके से खाना होता है। तो खाना क्या है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। फूड क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, है ना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विच गिव एनर्जी एंड रीजनरेशन ऑफ द टिश्यूज। रीजनरेशन, मान लीजिए खाना कोई टिश्यू या कुछ डैमेज है तो, है ना, खाना के बाद वो उसका रीजनरेशन हो सकता है, एंड रीजनरेशन ऑफ सेल या टिश्यू।
तो खाने से हमें दो चीज मिलता है। सबसे पहले क्या मिलता है कि कॉम्प्लेक्स खाना क्या है, फूड इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विच गिव एनर्जी एंड रीजनरेशन ऑफ द सेल या टिश्यू। तो बच्चों आप घबराएं नहीं, हम आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में जितना आपका मटेरियल है वो प्रोवाइड करेंगे, तो इसकी टेंशन आप न लें, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करें, और जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको आप अगर लिख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, फूड की बात कर रहे थे, ठीक है। तो फूड वी ईट इज मैक्रो मॉलिक्यूल। तो मैंने कुछ पिक्चर्स भी आपके लिए लाया हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स और लिखना चाहूंगा। तो फूड के अंदर क्या होता है, ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, खाना की बात कर रहे हैं, फूड, ठीक है। तो फूड बेसिकली क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, है ना। न्यूट्रिएंट्स क्या है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एनर्जी मिलती है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जो प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड, प्रोसेस जो होता है न्यूट्रिएंट लेने का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब की डेफिनेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, ये सब छोटे क्लासेस में आप पढ़ते हैं। हमारा जो खाना है वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। हम लोग क्या है, ऑटोट्रॉप नहीं है ना, हम लोग हेटरोट्रॉप हैं। तो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सॉलिड फूड को हम जब लेते हैं, इनगल्फ करते हैं, तो उसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो खाना, न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स हमें क्या मिलता है, एनर्जी और न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं, जैसे मैक्रो और मिनी या माइक्रो बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैक्रो के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल और या ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसके अंदर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल, या हम लोग कह सकते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, जो हम लोग खाते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है, इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब जो न्यूट्रिएंट है वो दो टाइप का हो सकता है, मैक्रो और मिनी हम लोग बात किए। तो अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट आता है, और एक आता है आपका प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। और इसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जिसको हम कम मात्रा में लेते हैं, ये बॉडी के डेवलपमेंट में, ग्रोथ के लिए वैसे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन हमें हमारी बॉडी को ये चाहिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बेसिकली फिर दो भाग में, जैसे विटामिन्स एंड मिनरल्स की बात करते हैं, ठीक है, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात। तो खाना जो है वो प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, फैट हो सकता है, ये तीन तरह के हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। प्रोटीन क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, ठीक है। जो जाते हैं ना जिम वगैरह में भी तो लिख लेते हैं ना साथ के साथ, प्रोटीन सब्स्टिट्यूट लेते हैं, तो बॉडी बिल्ड, मास ग्रोथ करना है बॉडी के लिए, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी, ठीक है, ग्रोथ है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के तो कार्बोहाइड्रेट का भी रोल हो जाता है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग की बात करेंगे तो उसमें क्या आएगा, प्रोटीन की बात हम लोग करते हैं। अब प्रोटीन किस चीज़ का बना हुआ है, कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको साथ के साथ बताता चल रहा हूँ। इसकी यूनिट होती है एमाइनो एसिड। तो प्रोटीन किस चीज़ की बनी होती है, एमाइनो एसिड का बना होता है, ठीक है बच्चों। चलिए, अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट भी ले लें, फैट भी ले लें, है ना। फैट दो तरह का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। क्या होता है बच्चों, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट होता है, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है, जब हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो उसमें एक में सिंगल बॉन्ड होता है, एक में डबल बॉन्ड होता है, तो वो सब बातें हम लोग वहां पे करेंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक है। इससे हमें डायरेक्ट एनर्जी, या कार्बोहाइड्रेट के लिए सबसे अच्छी बात हम लोग लिख सकते हैं, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको तुरंत, जैसे आप दौड़ के आए गर्मी के अंदर समय में या कभी भी, और आपने, आपको तुरंत आपका बहुत एनर्जी लॉस हो गया, स्वेटिंग होने लगी, तो आप उस वक्त क्या करेंगे, उस वक्त आप क्या प्रोटीन घोल के पियेंगे, नहीं। क्या पीते हैं हम लोग घर में, ग्लूकॉन डी,
ठीक है, तो वो हमें क्या होता है, तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ फैट। ठीक है, तो फैट की अगर हम लोग फिर तोड़ेंगे तो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इन सब की बात हम लोग करेंगे बाद में। ठीक है, तो बेसिकली फैट के अंदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है, कार्बन हाइड्रोजन की इसमें चेन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, चलिए, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है। यूनिट क्या है प्रोटीन की? एमाइनो एसिड। तो ये एक बेसिक हमारा फूड है जो हम खाते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो एग्जांपल क्या होगा, ब्रेड, बटर, ये सब किसके एग्जांपल, सॉरी ब्रेड किसका एग्जांपल, रोटी खाते हैं ये सब, चावल खाते हैं हम लोग, है ना, ये सब किसके एग्जांपल हैं, कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल है। फैट के एग्जांपल आप घी खाते हैं, ठीक है, आप बटर लेते हैं, ये सब किसके अंदर आएंगे, फैट के अंदर आएंगे। प्रोटीन के अंदर आप दाल ले लीजिए, मीट ले लीजिए, ठीक है, एग्स ले लीजिए, ये सब किसके अंदर आएंगे, प्रोटीन के अंदर आएंगे। तो ये हमारे, तो एक चीज आती है बैलेंस डाइट। ठीक है, मैं बहुत बेसिक से चीजों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, एक चीज आती है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस्ड, तो सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग यहां पर नोट कर लेते हैं। फूड क्या होता है, गिव्स एनर्जी एंड रिपेयरिंग एंड रिपेयर, ठीक है, ऑफ टिश्यूज। ठीक है, चलिए छोटी छोटी बात हम लोग लिख लेते हैं। न्यूट्रिएंट समझ गए, ठीक है, न्यूट्रिशन समझ गए आप लोग। उसके बाद तो हाँ, डाइजेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन का मतलब क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इंटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म। इसको हम लोग डाइजेशन बोलते हैं, कि कन्वर्टिंग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, उसको हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। अब जहां हम लोग पूरी डाइजेशन की बात करते हैं, उसी चैप्टर की बात हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम करते हैं, जहां हम लोग फूड कैसे हमारा डाइजेस्ट हो रहा है, कौन कौन से ऑर्गन के अंदर जा रहा है, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेशन हम समझ ले, तो डाइजेशन कैसा प्रोसेस है, इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, तो खाना टूटता है ना, कैटाबॉलिक का मतलब क्या है, किसी चीज को आप ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा खाना आपने, एक रोटी खाई, तो वो धीरे धीरे टूटेगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। फूड समझ में आ गया, न्यूट्रिएंट समझ में आ गया, न्यूट्रिशन समझ में आ गया, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग और इनगल्फिंग द फूड पार्ट, फूड है ना अपने अंदर लेते हैं, उस पूरे उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रिशन बोलते हैं ना। तो फूड समझ में आ गया, न्यूट्रिएंट समझ में आ गया, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और हमें न्यूट्रिशन, इस टर्म्स को हम लोगों ने समझ लिया। मैं बहुत बेसिक से चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को छोटी छोटी चीज़ में उन्हें एब्जॉर्प्शन नहीं समझ में आता है ना। तो ब्लड के अंदर जब खाना जो चला जाता है सेल, ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुँचता है, सेल उसको एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी लेता है, तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जब एनर्जी ले लेता है तो उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो डाइजेशन हम लोग समझ गए। अब हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या आता है, मैं आपको एक बार एक फोटो, इस फोटो को दिखाना चाहूंगा, ये पिक्चर जो मैं लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से देखिए, मैंने इस पे तो गंदा कर दिया है, फिर भी आप ध्यान से देखने की कोशिश करें कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से, हमारा जो प्रोसेस है खाना खाने का, ठीक है, तो वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है ना। घर में सुनते होंगे लोग कहते हैं खाना चबा चबा के खाओ, क्योंकि आप स्टार्टिंग के ही प्रोसेस के अंदर अगर खाने को अच्छे से, अगर मान लीजिए आप टीवी देख के खाना खा रहे हैं या मोबाइल चला के खा रहे हैं, तो क्या होगा कि आप खाने को अच्छे से च्यू ही नहीं कर पाएंगे, है ना। अच्छे से जब तक च्यूइंग अच्छे से नहीं होगी, फूड की सलाइवा उससे मिक्स नहीं होगा, तो खाना आपका अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए
लोग कहते हैं कि खाने को चबा चबा के खाना चाहिए, ठीक है। तो माउथ से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ कि सबसे पहले माउथ के अंदर खाना गया तो माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट है, टंग एंड टीथ प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं इसको, हाँ ठीक है, तो पहले मैं आप एक डायग्राम देख लीजिए। तो माउथ से आया खाना, उसके बाद कहाँ आ गया, इसोफेगस, जिसको स्पेलिंग सही कर लेंगे बच्चों, इसोफेगस, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है, फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, तो फूड पाइप भी बोलते हैं इसको। उसके बाद खाना कहाँ चला जाता है, उसका स्टमक के अंदर है। उसके बाद स्टमक जो है हमारे, आप ध्यान से देखेंगे कि लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद पैंक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, रेक्टम है और एनस है, ठीक है। तो हम लोग सबकी बात, लीवर भी है, गॉल ब्लैडर भी है। तो ये पूरा एक डायग्राम जो है, आप इसका स्नैपशॉट ले ले, या आपके एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम एक बार आपको ब्रीफ आइडिया दे देते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो अगर ह्यूमन डाइजेशन की पूरी प्रोसेस करें तो हमारे अंदर क्या होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल होता है। क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, ना, एलिमेंट्री कैनाल। तो क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल, इट्स अ ओपनिंग बिटवीन माउथ एंड एनस। माउथ और एनस के बीच जो ओपनिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप जब मैंने कुछ क्रैश कोर्स में जब पढ़ाया था कि हम लोग जो कहाँ डेवलप, फुल डेवलप मस्कुलर सिस्टम वगैरह के बारे में, तो उसमें बताया था कि हमारे अंदर एक वेल डेवलप मस्कुलर सिस्टम होता है जिसके अंदर टू ओपनिंग्स होती है। दीज आर दी टू ओपनिंग्स, वन इज माउथ एंड वन इज एनस। दिस टाइप्स ऑफ प्लानिंग इज कॉल्ड ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ब्लाइंड सैक प्लान होता है, मतलब उनके अंदर एक ही ओपनिंग देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए तो एलिमेंट्री कैनाल मतलब ओपनिंग, डिस्टेंस बिटवीन दी माउथ एंड एनस के बीच में जो होगा उसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे, ठीक है। चलिए उसके बीच, अब इस एलिमेंट्री कैनाल में दो चीजें हैं, ठीक है। डाइजेशन पूरा जो प्रोसेस चलेगा वो कहाँ चलेगा, तो डाइजेशन का जो प्रोसेस चलेगा वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर दो चीजें हैं, एक माउथ है और एक एनस है। तो माउथ के अंदर क्या होगा बच्चों, हाँ सॉरी, माउथ और एनस के बीच में जो जो नली होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस एलिमेंट्री कैनाल में दो होगा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में जो दो चीजें होंगी, इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, एक तो आएगा इसके अंदर एसेसरी ग्लैंड, क्या आएगा, एसेसरी ग्लैंड्स आएगा, ठीक है, एसेसरी ग्लैंड्स आएगी, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर क्या क्या आएगा, उसके बाद इसके अंदर आएगा माउथ एंड बक्को फेरेंजियल कैविटी, माउथ एंड बक्को फेरेंजियल कैविटी, ठीक है। और क्या आएगा इसके अंदर, माउथ के बाद आएगा इसोफेगस, ठीक है। और क्या आएगा, स्टमक आएगा, उसके बाद क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले आप ध्यान देंगे तो माउथ एंड बक्को फेरेंजियल कैविटी, ठीक है, इसोफेगस, जिसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, फूड पाइप, उसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। स्टमक जो पेट हो गया हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, एक बार ध्यान से देखिए डायग्राम के अंदर फिर से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टमक है, पैंक्रियाज की बात हम लोग करेंगे अलग से, ग्लैंड्स के अंदर बात करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। चलिए हाँ यहाँ पे थे हम लोग, तो एसेसरी ग्लैंड के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड आएगी, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तीन दो चीजें हैं, है ना, तो एक माउथ, बक्को फेरेंजियल कैविटी, सलाइवरी ग्लैंड आएगा। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड आता है, लीवर आएगा, ठीक है, पैंक्रियाज आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है एसेसरी ग्लैंड के अंदर आएगा, लीवर है, सलाइवरी ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएगी, एसेसरी ग्लैंड के अंदर आएगी, ठीक है। चलो हम लोग और भी चीजें लिख सकते हैं इसमें, गॉल ब्लैडर भी लिख लीजिए आप,
ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, पंक्रियाज हो गया और गॉल ब्लैडर हो गया, ठीक है, कुछ छोटा तो नहीं। पैंक्रियाटिक ग्लैंड, कुछ ग्लैंड और होते हैं जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड भी लिख सकते हैं हम लोग इसी में, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। तो पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज़ें हैं, एलिमेंट्री कैनाल है ना, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो चीज़ें हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो चीज़ें, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर होगा, इस तरह से आप लिख लें, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो चीज़ें हैं, एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ, बक्को फेरेंगियल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो कंसर्न है हमारा वो है कि हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने खाना खाया तो हमारे खाना कहाँ चला जाएगा, मुंह के अंदर जाएगा, माउथ के अंदर, ठीक है। तो माउथ या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो माउथ के अंदर अगर हम लोग बात करें तो माउथ के अंदर या बक्को फेरिंगियल है ना, फेरिंगियल का मतलब होता है बक्कल कैविटी प्लस फेरिंजियल कैविटी। तो बक्को फेरिंजियल का मतलब क्या हुआ, तो बक्को फेरिंजियल का मतलब हुआ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी प्लस फेरिंग्स है ना। तो याद रखेंगे फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का, क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का। तो कॉमन पैसेज जो होता है फूड और एयर का उसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो माउथ के अंदर बक्कल कैविटी, तो बक्कल कैविटी के अंदर क्या मिलेगा, ठीक है। तो बक्कल कैविटी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अपर पार्ट, इसकी फ्लोर पे, ठीक है, इसके फ्लोर पे आपको क्या मिलेगा, इसके फ्लोर सॉरी रूफ पे क्या मिलेगा, पैलेट मिलेगा, ठीक है, रूफ पे क्या मिलेगा, इसके पैलेट मिलेगा, है ना, इसको हम लोग तालू भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद फ्लोर पे क्या मिलेगा, इसके फ्लोर पे मिलेगा आपको टंग, लेटरल साइड्स पे क्या मिलेगा, लेटरल साइड्स पे मिलेगा आपको टिथ, ठीक है। देखिए ये माउथ है आपका, ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये है आपका, ये इसका फ्लोर है, ठीक है, सॉरी रूफ है, तो रूफ पे आपको क्या मिल रहा है, पैलेट, ठीक है। तो पैलेट किस है ना, उसके फ्लोर पे मिल रहा है टंग और लिटल साइड्स पे आपके मिल रहा है टीथ, ठीक है, ठीक है। अब पैलेट का जो एंटीरियर पार्ट है, पैलेट का जो एंटीरियर पार्ट है, आगे वाला पार्ट है, ठीक है, वो एंटीरियर पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं, एंटीरियर पार्ट को पैलेट के बोलते हैं, एंटीरियर पार्ट को हम लोग बोलते हैं बच्चों, एंटीरियर पार्ट को बोलते हैं हम लोग हार्ड पैलेट, ठीक है। तो पैलेट का जो अपने जीभ से भी आप ऊपर टच करके देखेंगे कि एंटीरियर पार्ट पे आपको क्या जो है पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं हार्ड पैलेट, ठीक है। मैं थोड़ा सा अच्छे से दिखा देता हूं आपको, ये एंटीरियर पार्ट जो है इसका वो है हार्ड पैलेट, ठीक है। तो अब माउथ की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो माउथ के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिली, टंग मिला, ठीक है, पूरी बक्कल कैविटी की बात करें, ठीक है, बाहर उसके क्या है, लिप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद माउथ के एंटीरियर पोर्शन पे है हमारा हार्ड पैलेट, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, यहाँ पे प्रेजेंट है पैलेटाइन रूगे, है ना, पैलेटाइन रूगे। तो ये जो पैलेटाइन रूगे है, ये जो फूड को क्या करता है ना, ये ज़्यादातर आपको कार्निवोरस एनिमल के अंदर ज़्यादा अच्छे से मिलता है, ठीक है। तो ये फूड को एब्जॉर्प्शन वगैरह में इसका हेल्प है, पैलेटाइन रूगे का, इसको गिरने नहीं देता है ना, इसको होल्ड करने का। तो पैलेटाइन रूगे, तो पैलेटाइन रूगे क्या है, आप अपने जीभ को टच करने की कोशिश करेंगे ऊपर की तरफ, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्शंस मिलेंगे ना, तो पैलेटाइन रूगे रफ प्रोजेक्शंस टाइप के आपको मिलेंगे, उसको हम लोग रफ प्रोजेक्शन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पैलेटाइन रूगे। तो ये दीज आर दी प्रोजेक्शंस, ये क्या है, प्रोजेक्शन है, ठीक है, हार्ड पैलेट पे।
चलो हार्ड पैलेट, अब मैं छोटी छोटी बातें आपको बताता हूँ ये किस चीज का बना होता है। ये दो तरह की बोन का बना होता है, मैग्जिला एंड पैलेटाइन बोन। किस चीज का बना होता है? पैलेटाइन बोन और मैग्जिला, ठीक है, मैग्जिला बोन और पैलेटाइन बोन का बना होता है हार्ड पैलेट। अब इसी का जो पोस्टीरियर पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर को पोर्शन को बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। और सॉफ्ट पैलेट के ही बिल्कुल टर्मिनल पोर्शन पे ये जो आपको लटकता हुआ ऐसा दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये दिस आर कॉल यूविला, है ना, यूविला, यूविला, ठीक है। इसके प्रोजेक्ट, इसके जो प्रोजेक्शन है बिल्कुल पोस्ट एंड पोजीशन पे, पोस्टीरियर पोजीशन पे, इसको हम लोग बोलते हैं यूविला, ठीक है, ये है यूविला, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझा, माउथ के अंदर बक्कल कैविटी आता है, बक्कल कैविटी के हमने रूफ फ्लोर टंग के बारे में पढ़ा। उसके बाद पैलेट का एंटीरियर पोर्शन क्या होता है, हार्ड पैलेट होता है, उसमें प्रोजेक्शन है जिसको हम लोग पैलेटाइन रूगे बोलते हैं, ठीक है। ये खाने को एब्जॉर्ब एग्जैक्टली शायद खाने को ये फ्रिक्शन वगैरह से बचाता है, ठीक है। अब मैं एग्जैक्टली ये थोड़ा सा मेरे माइंड से वो हो रहा है, ठीक है। चलिए आप ये याद रखिए कि ये ज़्यादा, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बता दूंगा, ये पैलेटाइन रूगे ज़्यादा कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। किसके अंदर? कार्निवोरस के अंदर। एग्जैक्ट फंक्शन मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा पैलेटाइन रूगे का, ठीक है। चलिए, तो बक्कल कैविटी के अंदर रूफ पैलेट फ्लोर टंग लेटरल टीथ, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं और पोस्टीरियर पोर्शन पे होता है यूविला, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे की तरफ अब बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा बच्चों, तो माउथ के अंदर, हाँ और क्या, अरे अरे इसके अंदर कुछ चीजें और रह गई, मैं एक स्लाइड और जोड़ रहा हूं। अच्छा, तो अब हम लोग माउथ की बात कर रहे हैं, माउथ और बक्को फेरेंजियल कैविटी की, ठीक है। तो माउथ के अंदर क्या मिलेगा? टंग, टंग, ठीक है। टंग क्या होता है? टेस्ट, परसेप्शन ऑफ द टेस्ट, सेंसेशन ऑफ द टेस्ट, टेस्ट के बारे में बताता है, ठीक है। तो टंग जो है, अगर आप ध्यान से देखें, जैसे मान लीजिए ये टंग है आपकी, तो ये नीचे से है ना इस तरीके से जुड़ा होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम, इसी से जुड़ा होता है, फ्रेनुलम, ठीक है। किसका? इसका पोस्टीरियर पोर्शन, टंग का पोस्टीरियर पोर्शन। तो माउथ के अंदर क्या है? टंग। तो टंग जो है इसका पोस्टीरियर पोर्शन, इसको हम लोग फ्रेनुलम बोलते हैं, जो आपके बिल्कुल नीचे पार्ट से जुड़ा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम। तो इसका टंग अपने जो आपका जो टंग है उसका पोस्टीरियर पार्ट, इस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग। अब टंग का काम क्या है? टंग का काम है बच्चों परसेप्शन ऑफ द टेस्ट, परसेप्शन ऑफ टेस्ट, ठीक है, टेस्ट के बारे में परसेप्शन देता है, सेंसेशन लिख लीजिए ज्यादा अच्छा, सेंसेशन ऑफ द टेस्ट, सेंसेशन ऑफ द टेस्ट, ठीक। उसके बाद क्या काम करता है? बोलने में, स्पीच, है ना, हम जब बोलते हैं तो उसमें हेल्प करता है। उसके बाद स्वलोइंग, है ना, खाने को निगलने के अंदर उसमें भी हेल्प है। मिक्सिंग ऑफ द फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा, ठीक है। तो सलाइवा के साथ जब खाना मिलता है, ठीक है, उसमें भी टंग का रोल होता है। अब टंग के अंदर जो बहुत सारे नर्व्स की सप्लाई होती है, मैं कुछ नर्व्स जैसे बताता हूँ, नर्व्स की जो सप्लाई है, जैसे लिंगुअल नर्व की भी सप्लाई होती है टंग के अंदर, ठीक है, ग्लॉसो फेरेंजियल, इसकी भी सप्लाई होती है, ग्लॉसो फेरेंजियल, ठीक है, इसकी भी सप्लाई होती है, ट्राइजेमेनाइल की भी सप्लाई होती है, ठीक है। तो इतना आपको डिटेल में नहीं जाना, दो चार नर्व ग्लॉसो फेरेंजियल वगैरह आप ध्यान रखेंगे। तो सेंसेशन ऑफ जो टंग के अंदर जो सेंसेशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड होता है, ठीक है, ठीक है। तो टेस्ट बर्ड जो प्रोजेक्शंस होती है उसी के हेल्प से टंग के अंदर क्या होता है बच्चों, टंग के अंदर आपको बच्चों टेस्ट का परसेप्शन होता है, ठीक है। तो ये बातें जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये सब है टंग के अंदर, ठीक है।
किसी बच्चे ने पूछा है स्टार्च क्या होता है। ठीक है बच्चों, ये जब मैं ये फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा तो उसमें जरूर बताऊंगा स्टार्च क्या है। दो चीज़ें होती है, प्लांट के अंदर एक स्टोर्ड प्रोडक्ट होता है जिसको एनिमल के अंदर जो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं, और प्लांट के अंदर जब स्टोर्ड फूड होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, इट इज़ बेसिकली ए कार्बोहाइड्रेट, फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। ठीक है, लेकिन ये आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है। सिंपल एक कार्बो मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड होता है ना, तो जब मैं आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है, तो पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो फ्रेनुलम होता है। तो टंग के अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेपिला। ठीक है, तो बहुत सारे टंग के अंदर मिलते हैं आपको, जैसे सबसे पहले आपको मिलेगा फिलीफॉर्म पेपिला। ठीक है, क्या मिलेगा? फिलीफॉर्म पेपिला। उसके बाद क्या मिलेगा आपको? फंजी फॉर्म पेपिला। उसके बाद मिलेगा सरकम वैलेट पेपिला। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो सरकम वैलेट जो पेपिला है ना, वो सबसे लार्जेस्ट होते हैं। तो जैसे जैसे वी शेप जो इसका सल्कस टर्मिनल है, अभी मैं बता रहा हूं आपको, जैसे जैसे यहां पे इस तरीके से आप देखिए, ये यहां पे सल्कस टर्मिनल है। ठीक है, सल्कस टर्मिनल, तो यहीं पे आपको मिलेगा सरकम वैलेट पेपिला। ठीक है, सरकम वैलेट पेपिला। ठीक है, तो सरकम वैलेट पेपिला लार्जेस्ट है बट लेस इन नंबर। ठीक है, लेस इन नंबर। तो और भी जो टंग है वो फिलीफॉर्म है। फोलिएट जो होता है वो मेन के अंदर, फोलियर जो है हमारे अंदर क्या होता है? वेस्टिजियल होता है। ठीक है, देखिए अब एक बार आप टंग। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें वैलेट पेपिला दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, टर्मिनल सल्कस बता रहे हैं आपको। उसके बाद आपको फिलीफॉर्म पेपिला है। ठीक है, फंगी फॉर्म पेपिला है। फिलीफॉर्म पेपिला सबसे छोटा होता है। ठीक है, न्यूमेरस सबसे ज़्यादा नंबर में होता है। उसके बाद फंगी फॉर्म पेपिला की वजह से पिंक कलर दिखता है। किसके वजह से? फंगी फॉर्म पेपिला की वजह से पिंक कलर जो आपको एप्रियंस होता है सबसे, वो फंगी फॉर्म पेपिला की वजह से होता है। बीच में मीडियन सल्कस है, जो लाइन पास करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियन सर्कस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियन सल्कस बोलते हैं। ठीक है, सबसे कम नंबर में सरकम वैलेट पेपिला होता है। ठीक है, उसके बाद फिलीफॉर्म पेपिला हो गया, मीडियन सल्कस हो गया, फोरामेन सीकम है। ठीक है, तो टंग के हमने फंक्शंस पढ़ लिए। तो अभी तक हम लोग कहां थे? यहां पे थे। ठीक है, सरकम वैलेट पेपिला पे थे। तो ये तो अक्सर आप ये सुनेंगे कि बूढ़े लोगों के अंदर, उन्हें टेस्ट जब खाना खाते हैं वो, तो ये कंप्लेन करते हैं कि टेस्ट नहीं है। कभी कहेंगे बहुत मिर्ची लग रही है। तो वो किसके वजह से? क्योंकि जैसे जैसे ओल्ड एज आती है हमारी, तो टेस्ट बर्ड जो होती है वो डीजेनरेट करने लगती है। टेस्ट बर्ड क्या हो जाती है? डीजेनरेट करने लगती है। तो इसलिए उनको सही से परसेप्शन ऑफ द टेस्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो माउथ के अंदर हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो माउथ के अंदर जो हम लोग बात कर रहे थे वो हमने बात कर ली, टंग के बारे में बात कर ली। ठीक है, टंग के बाद माउथ के अंदर और क्या आता है? वो है टिथ। ठीक है, तो टंग के अंदर, माउथ के अंदर क्या आता है? टिथ। तो टिथ का काम बेसिकली क्या होता है? टिथ का काम बेसिकली होता है खाने को च्यूइंग करना, है ना, च्यूइंग एंड क्रशिंग ऑफ द फूड। च्यूइंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड। ठीक है, chewing and crushing of the food। या तो खाने में जब हम उसको क्या करते हैं, जब चबाते हैं, तो उसके अंदर chewing and crushing of the food को कौन हेल्प करता है? टिथ हेल्प करता है। टिथ के ऊपर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसमें होता है इनेमल। क्या होता है बच्चों? इनेमल। और इनेमल क्या होता है? इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल, इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी। हार्डेस्ट सब्सटेंस लिख लीजिए, ज्यादा बेटर है। हार्डेस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो टिथ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है सबसे ज्यादा? हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी वो होता है इनेमल। इनेमल के नीचे क्या होता है? डेंटीन।
ठीक है, डेंटिन के नीचे होता है पल्प, है ना। तो सेंसिटिविटी जो होती है बच्चों वो डेंटिन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? डेंटिन की वजह से होती है सेंसिटिविटी, ठीक है। और उसके बाद दांत के नीचे अगर आप और डिटेल में जाना चाहेंगे तो दांत के नीचे एक पल्प होता है, ठीक है। तो वहीं उसके नीचे एपिकल फोरामेन होता है, उसी से नर्व्स वगैरह पास करती है। तो उतना डिटेल में आपको नहीं जाना। तो च्यूइंग एंड क्रशिंग ऑफ द फूड, तो मैकेनिकल डाइजेशन अगर हम ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, ठीक है, मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ द फूड जो होगा वो किससे होगा? तित के हेल्प से होगा, ठीक है। वही तो उसको काट छोटा कर रहा है, टुकड़े टुकड़े में बांट रहा है, ठीक है। अब तित की बात हम लोग करें तो ह्यूमन तित की जो होती है वो दो तरह का होता है। ह्यूमन तित की अगर बात करें तो वो दो नहीं तीन तरह का होता है। सबसे पहले जो हमारा तित है वो है डाइफोडोंट, ठीक है। क्या है? डाइफोडोंट। डाइफोडोंट का मतलब होता है टू सेट ऑफ टित, टू सेट ऑफ टित इन एंटायर लाइफ। एक ह्यूमन के अंदर इंटायर लाइफ, ह्यूमन तित की बात कर रहे हैं हम लोग, ह्यूमन डेंटिशन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन तित की बात कर रहे हैं। तो एक टू सेट ऑफ तित होता है इंटायर लाइफ के अंदर, ठीक है। तो जैसे बच्चों के अंदर क्या होता है, एक होता है प्राइमरी तित और एक होता है परमानेंट तित। तो प्राइमरी तित जो होता है बच्चों के अंदर, जिसको हम लोग डेसीडियस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राइमरी बोल लीजिए या डेसीडुएस डेंटिशन भी बोल लीजिए या मिल्क तित भी बोलते हैं। तो प्राइमरी बोल लीजिए, डेसीडुएस बोल लीजिए, मिल्क बोलिए, ये सिक्स मंथ के एज तक आता है। सिक्स मंथ के एज में, सिक्स टू एट मंथ के एज में ये निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सिक्स मंथ के एज से लेके ये दो तीन साल तक चलता है, तीन साल तक मान लीजिए थ्री इयर्स। उसके बाद बीच में मिक्स डेंटिशन आता है, तो प्राइमरी के बाद बीच में आ जाता है मिक्स्ड, ठीक है। इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आता है परमानेंट डेंटिशन, ठीक है। तो परमानेंट डेंटिशन आपको 8 से 12 साल के बीच में आना शुरू हो जाता है, परमानेंट डेंटिशन, ठीक है। चलिए, तो मिक्स्ड जो है वो आपका 6 महीने से लेके 2.5 साल 3 साल के बीच में जो है दांत। तो ये मिल्क, मिल्क टूथ आता है, उसको रिप्लेस कौन करता है? परमानेंट। तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन के अंदर दो तरह के जो तित पूरे इंटायर लाइफ में आ रहे हैं उसको हम लोग, दो डेंटिशन को हम लोग बोलते हैं डाइफोडोंट। उसके बाद जो है वो हमारा जो तित है वो है थीकोडोंट। ये एनसीईआरटी में बहुत आपको अच्छे से समझाया गया, थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब क्या होता है? थीकोडोंट का मतलब होता है, बच्चों आप घबराइए नहीं, हम नेक्स्ट क्लास के से आपको पूरी सबकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल के लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो थीकोडोंट का मतलब होता है कि मान लीजिए ये तित है आपका, तो ये एक सॉकेट के अंदर है ना, एक सॉकेट के अंदर ये एम्बेडेड है। तो इस तरह के तित को हम लोग क्या बोलते हैं? थीकोडोंट बोलते हैं। थीकोडोंट का मतलब होता है एम्बेडेड इन सॉकेट। तो सॉकेट के अंदर एम्बेडेड होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थीकोडोंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो डाइफोडोंट हो गया, थीकोडोंट हो गया, और एक होता है हेटरोडोंट, ठीक है, हेटरोडोंट। तो हेटरोडोंट, पहला डाइफोडोंट हो गया, दूसरा थीकोडोंट हो गया, तीसरा हेटरोडोंट हो गया। हेटरोडोंट में आगे अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। तो तित में फिर से यहां पर साफ साफ लिख देता हूं, तित डाइफोडोंट, दूसरा क्या होगा? थीकोडोंट, थीकोडोंट या थीकोडेंट बोलिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? डाइफोडोंट मतलब टू सेट, समझ में आ ही जाएगा टू सेट की बात, प्राइमरी और परमानेंट। थीकोडोंट मतलब सॉकेट के अंदर, तो थिस एम्बेडेड इन सॉकेट, ठीक है। और तीसरा हम लोग ले रहे हैं हेटरोडेंट। हेटरोडेंट का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ तित, डिफरेंट टाइप्स ऑफ तित, ठीक है। अलग अलग तरह के तित हमें देखने को मिलते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन माउथ के अंदर, उस तरह के तित, इसलिए उसलिए उसको हम लोग बोलते हैं हेटरोडोंट। इसके अंदर क्या क्या आएगा आपका? इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो प्रीमोलर जो होता है, ठीक है बच्चों, प्रीमोलर जो होता है, प्रीमोलर,
ये जो है नॉट एबसेंट नॉट प्रेजेंट इन डेसीडुअस डेंटिशन, डेसीडुअस डेंटिशन के अंदर प्रीमोलर नहीं आता है। तो प्रीमोलर के अंदर डेसीडुअस डेंटिशन के अंदर प्रीमोलर नहीं होता। इंसाइजर का काम क्या है उसको क्या कहते हैं, टीयरिंग, उसके बाद चूइंग, क्रशिंग, कैनाइन का काम है। प्रीमोलर का भी नाम उसको क्या करना है, चबाने के काम ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया हेट्रोडोंट। तो कितने अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा तिथ क्या है, डाइफोडोंट है, थीकोडोंट है या हेट्रोडोंट है या तीनों है, तो वी हैव ऑल दी थ्री टाइप्स ऑफ तिथ। ठीक है, तो वी हैव थीकोडोंट, हेट्रोडोंट एंड डाइफोडोंट। ठीक है, सबके माने आप समझ चुके हैं। उसके बाद अगर ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला की बात करें, ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला एक एडल्ट, एडल्ट मतलब ये 21 तक मानते हैं हम लोग एडल्ट के अंदर, तो उसके दांत का जो डेंटिशन फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है 212/213। कभी कभी नीट में ये सिंपल क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो अगर पूरे दांत को आप, ठीक है, 32 दांत को अगर आप डिफरेंट चार सॉकेट के अंदर डिवाइड कर रहे हैं तो आठ आठ दांत है ना, चार उसको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो आठ आठ दांत सबके बीच में आएंगे। ठीक है, सारे क्वाड्रेंट में आएंगे, जिसमें दो क्या होंगे, इंसाइजर, एक केनाइन, दो प्रीमोलर और तीन क्या होंगे, मोलर। ठीक है, तो एक सेट के अंदर तीन दो पांच छह आठ, और आठ को चार क्वाड्रेंट के अंदर आप डिवाइड कर देंगे तो होगा ये कितना, 32। तो ये जो लास्ट मोलर है ये वेस्टिजियल होता है हमारे अंदर, तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये नहीं आता है लास्ट मोलर। ठीक है, तो लास्ट मोलर जो है बहुत सारे के अंदर नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग 32 दांत की बात करते हैं। जो एडल्ट की बात कर सॉरी अगर हम मिल्क या डेसीडुअस डेंटिशन की बात करते हैं, डेसीडुअस डेंटिशन की बात करते हैं तो उसके अंदर 2102/2102, मतलब उसके अंदर क्या होता है, प्रीमोलर नहीं होता है, नो प्रीमोलर। अभी हमने बात की कि उनके अंदर प्रीमोलर नहीं होगा, ठीक है, और हमारे अंदर होगा प्रीमोलर। ठीक है, तो ये आपका डेंटल फॉर्मूला हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि लास्ट दांत जो होता है हमारा वो होता है मोलर, थर्ड मोलर। तो थर्ड मोलर इज वेस्टिजियल, थर्ड मोलर इज वेस्टिजियल, ये हमारे कोई यूज का नहीं है। ठीक है, तो अभी तक माउथ के हम लोग माउथ की बात करें तो माउथ में हमने टंग की बात की, टंग के अंदर टेस्ट बर्ड की बात की, फिल सरकम वैलेट सबसे ज़्यादा होता है, और फिलीफॉर्म पेपिला, उसके बाद फंगी फॉर्म पेपिला। ठीक है, और फिलीफॉर्म के अंदर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, फिलीफॉर्म के अंदर डिवॉइड ऑफ टेस्ट बर्ड होता है। एक बार आप देख लेंगे एनसीईआरटी के अंदर, फिलीफॉर्म या के अंदर टेस्ट बर्ड नहीं होता। ठीक है, और फंगी फॉर्म सबसे न्यूमरस होता है और पिंक कलर प्रोवाइड करता है शायद, है ना। तो इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना फिलीफॉर्म फंगी फॉर्म के बीच में। और उसके बाद माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों आपका सलाइवरी ग्लैंड। तो माउथ के अंदर क्या होता है कि सिक्रीशन होता है सलाइवा का, और सलाइवा के सिक्रीशन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब ये सलाइवरी ग्लैंड, तीन तरह के सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, तो सलाइवा का सिक्रीशन, दीज आर दी एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड कैसे होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड कैसे होते हैं बच्चों, एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, उसमें तीन तरह के सलाइवरी ग्लैंड है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। तो इस सबमैंडिबुलर को हम लोग सब मैगजिलरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबमैंडिबुलर और सब मैगजिलरी भी बोलते हैं, और ये सबलिंगुअल बिलो द टंग है ना। तो पैरोटिड ग्लैंड आपके चीक जो ये पोर्शन होता है, चीक वाला पोर्शन वहां प्रेजेंट होता है बिलो दी आपके, ठीक है, कान के बिल्कुल टेम्पल वाला जो एरिया ना, यहाँ पे प्रेजेंट होता है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, इससे जब इसकी स्वेलिंग हो जाती है, पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है तो डिजीज को हम लोग बोलते हैं मम्प्स। क्या बोलते हैं, मम्प्स। तो पहले हमने बताया कि सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगा, सलाइवा, और ये जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या होता है बच्चों, डक्ट प्रेजेंट होता है, तो सबके डक्ट है। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड में सारे जो ग्लैंड हैं उनके क्या है, डक्ट प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके डक्ट के नाम लिख लेते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो पैरोटिड ग्लैंड का जो डक्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे एस्टेंशंस डक्ट, क्या बोलेंगे, एस्टेंशंस डक्ट, ठीक है। और सब लिंगुअल होगा उसके डक्ट को बोलेंगे डक्ट ऑफ रेवेनस, क्या बोलेंगे, डक्ट ऑफ रेवेनस, ठीक है। और सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर का जो होगा उसको बोलेंगे वार्टन्स डक्ट। तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग है ये अपर, इस ये कहाँ जाएगा, ठीक है, जो ये आपको ये जो है देखिए सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी है, ये एट द जंक्शन ऑफ, इसका कहाँ लोकेशन है, सब मैंडिबुलर कहाँ लोकेशन है, इसका लोकेशन है एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर आर्च, अपर और लोअर आर्च, अपर है ये लोअर आर्च है, इसके जंक्शन पे ये मिलता है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड आपके बक्कल कैविटी में है ना, इसके स्वेलिंग से हो जाता है मम्स, और ये है सब लिंगुअल ग्लैंड, ये आपके बिलो दी टंग के आसपास इसका लोकेशन है, डक्ट ऑफ रेवेनस, इसका वार्टन्स डक्ट और इसका एस्टेंशंस डक्ट। तो ये डक्ट के नाम भी आपसे, क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो इसलिए ये क्या होंगे, डक्ट वाले ग्लैंड होंगे, इनके अंदर डक्ट जरूर प्रेजेंट होगा। चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली। तो सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीशन को होता है सलाइवा, सलाइवा के अंदर 99.5% क्या होता है, वाटर, कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, आयंस एंड क्लोरीन, ठीक है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज, लाइसोजाइम, ठीक है, ठीक है, थायोसाइनेट है ना, लाइसोजाइम, ये लाइसोजाइम क्या है बच्चों, एंटी बैक्टीरियल एजेंट है ना, एंटी बैक्टीरियल एजेंट है लाइसोजाइम। तो देखा होगा कभी कभी बचपन में हम लोग जब हाथ करता था तो ऐसे अपने उसको बिल्कुल वो कर लेते थे है ना, उसको तो हम लोग कोई ब्लड अंदर नहीं लेते, हम लोग क्या करते, क्योंकि सलाइवा के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से हम लोग सलाइवरी एमाइलेज सलाइवा को अगर हम लोग अपने वहाँ पर तो कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, तो ये हमारा एक रिफ्लेक्स एक्शन होता था, ठीक है। तो हम लोग ने बात कर ली डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड की। तो पैरोटिड ग्लैंड अपर ये कहाँ खुलेगा, वेस्टिब्यूल के अंदर खुलेगा, ठीक है, बक्कल वेस्टिब्यूल के अंदर इसकी ओपनिंग होगी, बक्कल वेस्टिब्यूल के अंदर, ठीक है। सब लिंगुअल बिलो द टंग है, सब मैंगजिलरी, और ये बिल्कुल आपके एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर आर्च होगा, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने बात किया फूड के बारे में, हम लोगों ने बात किया डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेशन के प्रोसेस के बारे में है ना, पैलेटाइन रूगे और सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट है ना, इसको आप एक बार चेक कर लेंगे फंगी फॉर्म या फिली फॉर्म में अंदर, एक शायद फिली फॉर्म के अंदर टेस्ट बर्ड नहीं होता है, टेस्ट बर्ड, नो टेस्ट बर्ड, ठीक है, नो टेस्ट बर्ड, और फंगी फॉर्म जो है आपको सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है, तो इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। सरकम वैलेट पेपेला सबसे लार्जेस्ट होता है, ये तो ये लार्जेस्ट होता है बट लेस इन नंबर, बट लेस इन नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे आज की क्लास के अंदर माउथ की बात की, माउथ के अंदर तित की बात की, तित के अंदर टंग की बात की, टंग के अंदर टेस्ट बर्ड की बात करें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग आगे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में एक टेबुलर फॉर्म में मैं उनके सारे डक्ट के नाम, उनके लोकेशन, कहाँ ओपनिंग होती है वो आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। और अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी तक जो मैंने चीज़ें बताई वो बेसिक, तो आप इसको जाके एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, डेंटिशन के बारे में पढ़ लेंगे, ऑफ फूड मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, और साथ के साथ आगे की क्लास में हम लोग आगे जब प्रोसीड करेंगे तो गैस्ट्रिक ग्लैंड वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो उनको समझने के लिए आप इन चीज़ों को एक बार ज़रूर पढ़ के आएंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, और किसी भी तरह के डाउट हो तो आप ज़रूर हमारे पूछो तो एजुकेशन से कंसल्ट कर सकते हैं। इसी तरह के और भी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम इस तरह के और भी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू सो मच।